अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग फर्स्ट टाइम इरम खान वेडिंग अनस्टिच कलेक्शन। इसकी प्राइस है, कोड है इसका नूरी और इसकी प्राइस है 48,900। लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, लाइनिंग इसकी रॉ सिल्क की लाइनिंग दी हुई है। ये जो है एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है, सेंटर है और जस्ट इतना ही फैब्रिक है। तो ये हो रहा है जस्ट 21 इंचेस का दामन। और इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। बट मैं अगेन कहूँगी कि प्राइस 48,000 के हिसाब से जो है ये खासा लाइट है। हम लोग को लग रहा था कि फुली शायद हैंडवर्क हो या मे बी समथिंग। गला इसका बना ही हुआ है तो उसके ऊपर जो है कुछ चेंजेस कर नहीं सकते हैं। और लेंथ भी जो है वो जितनी दी हुई है, खैर इसके साथ गरारा है तो लेंथ तो ठीक होगी। और बाकी ये छोटी छोटी हैंड एम्बेलिशमेंट है, अच्छी हैंड एम्बेलिशमेंट है, बहुत हैवी भी नहीं है एंड बहुत कम भी नहीं है। लाइक जैसे नूरे का कलेक्शन आया था तो नूरे में इस तरह की हैंड एम्बेलिशमेंट जो है वो 20,000 की रेंज में थी। उसके बाद एक बॉर्डर दिया हुआ है बिल्कुल थिन सा जो कि फ्रंट के दामन और बैक का है। और ये जितना इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है इससे बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद है इसका बैक, अलबत्ता बैक का कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कर सकते हैं कि फ्रंट पे अगर जोड़ लगाना पड़े, ऑब्वियसली साइड से प्लेन आएगा, प्लेन से मतलब विदाउट हैंड वर्क का आएगा, बट ये कि फिर भी बैक जो है वो फ्रंट से थोड़ा सा तकरीबन 4-4 इंच लें, यानी कि 8 इंच ओवरऑल जो है वो बड़ा है। उसके बाद बैक का एक छोटा सा गला भी बनाया हुआ है। अच्छा, बैक का जो है ये गला है और इसको बैक के ऊपर कोई हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं, गला जो है इसका एप्लिक होगा। उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स का भी अच्छा स्लीव सेपरेट ही बनी हुई है। स्लीव्स ठीक हैं, अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एम्बेलिशमेंट भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है। पर मेरा ख़्याल है कि प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स जो इस प्राइस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्मल लुक देते हैं। बाकी छोटी छोटी एम्बेलिशमेंट हुई हुई हैं। ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स का कपड़ा जो है वो काफ़ी है, लेंथ वगैरह आराम से हो जाएगी। उसके बाद है इसका नेट का दुपट्टा। अच्छा, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि अगर वो रेड वाला दुपट्टा सेकंड वाला चाहिए होगा तो वो फिर सेपरेट मिलेगा। ओके, दुपट्टे का ये है कि दुपट्टे की लॉन्ग साइड पर दो बॉर्डर बने हुए इस तरीके से, और एक साइड पर एक बॉर्डर बना हुआ है और एक साइड पर ये वाला बॉर्डर दिया हुआ है जो कि आई एम श्योर लॉन्ग साइड का है। अगर ये लॉन्ग साइड पे लगाते हैं तो फिर पल्लू के ऊपर कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर पल्लू और यहाँ पर जो है वो अच्छा सॉरी यहाँ पर तो अंदर वाले बॉर्डर का यहाँ पे ऑल साइड बॉर्डर बना हुआ है। अब ये बड़ी ख़राब बात हो जाती है क्योंकि क्लाइंट्स ने जो है वो जो देखा होता है वो वही एक्सपेक्ट करते हैं। या तो ये होगा कि हम इस वाले बॉर्डर को पल्लू पर लगाएंगे, लेकिन आई थिंक ये दोनों पल्लू पर पूरा नहीं हो पाएगा। या विल सी के क्या करते हैं इसको, लेकिन ये कि इस पिक्चर में दोनों साइड पर जो है वो पल्लुओं पर भी है और लॉन्ग साइड पर भी है। तो ये हो गया इसका दुपट्टा। और फिर उसके बाद है इसका रॉ सिल्क का गरारा। अच्छा, गरारा भी जो है वो पिक्चर में देखने से लग रहा था कि बहुत जैसे हैंड एम्बेलिश्ड हो ना, तो हैंड एम्बेलिश्ड तो नहीं है। ये गरारा है, ये जो नी के ऊपर का हिस्सा है ये वो है, और रॉ सिल्क है, बूटियाँ वगैरह काफ़ी करीब बनी हुई है, ज़री वर्क है। उसके बाद ये नी के नीचे का हिस्सा है। तो इसका ऐसे डबल करेंगे तो एक का जो है फ्लेयर इतना आएगा, लाइक जितना ये दिख रहा है। ये मैंने 4 तय किया हुआ, यानी कि वन साइड इतनी और इधर से करके डबल हो जाएगा, इतना फ्लेयर आएगा। और पिक्चर में थोड़ा ट्रेल भी बना हुआ है, तो खैर टेलर बता सकता है कि वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये है कि इन्होंने कपड़ा जो लंबाई में दिया हुआ है, यानी कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग जो लेग्स वाला स्टाइल वो स्टाइल होता है कि यानी कि नी का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, तो ये पॉसिबल है इसमें। हालाँकि इन्होंने वो फर्शी गरारे वाला स्टाइल दिया हुआ, जो फर्शी गरारे का जो है वो थोड़ा नी से काफ़ी नीचे इसका वो जॉइंट शुरू होता है। बट इन्होंने कपड़ा जो है इस तरीके से दिया हुआ कि इसको ऑप्शन है। लेकिन कलर जो है इसका और इसका बिल्कुल अलग है, रॉ सिल्क का कलर बिल्कुल अलग है। और ये जो इन्होंने ड्रेस दिया हुआ है नेट, ये बिल्कुल बेज शेड है। सो फॉर मी इट्स जस्ट ओके। शर्ट अच्छी है, बाकी ये कि ठीक ठीक है।
बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।